पबजी इस वक्त दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स है और इस साल 6 महीने में इस गेम ने 1.3 बिलियन डॉलर्स यानी कि 9,700 करोड़ से ज़्यादा की कमाई की है। और अगर इसकी लाइफ टाइम कलेक्शंस की बात करें तो वह है 3 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 2500 करोड़। और लॉकडाउन के दौरान तो पबजी सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला गेम रहा है। दैट्स हाउ पॉपुलर पबजी इज। और अब पबजी से ही जुड़ी ये खबर आई है पंजाब से, जहां पर एक टीनेजर ने पबजी के इन ऐप्स परचेजेस पर 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। जी हां, उसने अपने पेरेंट्स की जिंदगी भर की कमाई पबजी पर लगा दी और उनको पता भी नहीं चलने दिया। तो आज के इस टिकटॉक वीडियो में इसी पर बात करेंगे और साथ ही जानेंगे पबजी एडिक्शन के बारे में भी एंड कैसे इस एडिक्शन से आप बच सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये 16 लाख वाली कहानी क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक टीनेजर, 17 साल उसकी उम्र है, पढ़ाई के लिए अपनी मदर से फ़ोन लिया करता था, फादर उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो बाहर पोस्टेड थे, घंटों तक फ़ोन इस्तेमाल करता था एंड मदर को लगता था कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है। लेकिन जब एक दिन उन्होंने अपने अकाउंट्स के बैंक स्टेटमेंट्स चेक किए तो देखा कि उनके अकाउंट सारे खाली हैं। बाद में पता चला कि उनके सारे पैसे 16 लाख रुपए उनके बेटे ने पबजी मोबाइल के इन ऐप्स परचेजेस जैसे कि कॉस्मेटिक आइटम्स, आर्टिलरी, टूर्नामेंट पासेस और वर्चुअल एमिनेशन पर खर्च कर दिए। और इसने सिर्फ ये सब अपने गेम पर ही नहीं किया बल्कि दोस्तों के इन ऐप्स परचेजेस पर भी उसने पैसे खर्च किए। पेरेंट्स के अकाउंट डिटेल्स इस टीनेजर के पास थे और ये ट्रांजेक्शन मैसेजेस आते ही उनको डिलीट कर देता था। इसके पेरेंट्स कहते हैं कि उन्होंने ये पैसे अपने मेडिकल एक्सपेंसेस और इस टीनेजर के फ्यूचर के लिए सेव किए। इफ यू लुक एट इट, दिस इज बैड। एंड इस टीनेजर को भी नहीं पता कि इसने क्या किया। व्हेन ही ग्रो अप ही विल रियलाइज दैट व्हाट ही हैड डन। लेकिन उस रियलाइजेशन से होगा क्या? नथिंग। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ऐसे आपको कई किस्से मिल जाएंगे जहां पर पबजी एडिक्शन के चलते लोगों ने सुसाइड की, चोरी की और अपना नुकसान किया। एंड इफ यू थिंक ये पबजी क्रेज सिर्फ यंगस्टर्स में ही है, देन इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ दिनों पहले शिमला से खबर आई थी दैट अ लेडी कमिटेड सुसाइड क्योंकि उनका हस्बैंड उन पर और उनकी बच्ची पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था एंड हर वक्त पबजी खेलता रहता था। चलिए अब जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। तो ऑल ऑफ दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ गेमिंग एडिक्शन, जो आपके और हमारे लिए बेहद ही खतरनाक है। कोई भी गेम एडिक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको एक गोल दिया जाता है, आप उसको अचीव करने के लिए दिन और रात लगे रहते हैं, फिर कुछ नया अपडेट आ जाता है तो नए गोल्स सेट हो जाते हैं एंड इट गोज ऑन। एक्चुअली आप गेम नहीं खेलते बल्कि गेमिंग फर्म्स, गेमिंग कंपनियां आपके माइंड के साथ खेलती हैं और इससे पैसे कमाती हैं। और आप गेम के अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको इतना इन्वॉल्व कर दिया जाता है कि आपको ये लगता है कि गेम का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअली में आप हैं और वो सब कुछ रियल है। फिर आपको गेमिंग फील देने के लिए महंगे गेमिंग कंसोल्स आ जाते हैं, अपग्रेडेड जॉयस्टिक्स आ जाती हैं ताकि हर एक्शन जो है वो आपको फील हो, ग्राफिक्स ऐसे बना दिए जाते हैं कि सब कुछ आपको एकदम रियल लगे, डेडिकेटेड गेमिंग फोन्स लॉन्च हो जाते हैं। ऑल इन ऑल हर कोई यहाँ पर आपको गेमिंग एडिक्ट बनाकर पैसे कमा रहा है। तो जो बड़ा गेम आपके माइंड के साथ खेला जा रहा है आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझें। बहुत ज़्यादा गेमिंग करने से आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम आ सकती है लाइक एग्रेसिव थॉट्स, आँखों पर आपके असर पड़ सकता है, आपकी सोशल लाइफ पर इसका असर पड़ सकता है एंड यू मे फील आइसोलेटेड। एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस इसकी वजह से खराब हो सकती है। ये सब बातें एक्चुअली हम जानते हैं बट वी टेंड टू इग्नोर ऑल ऑफ दिस। इफ यू लाइक गेमिंग इट्स गुड, लेकिन उसको आप अपनी एडिक्शन ना बनने दें। एक टाइम फ्रेम सेट करें जिसके अंदर आप गेमिंग कर सकें, उसी टाइम फ्रेम के अंदर आप गेम खेलें, ट्राई एंड गेट इनटू सम फिजिकल एक्टिविटीज, वर्चुअल वर्ल्ड से थोड़ा सा बाहर आएं और रियल वर्ल्ड से कम्युनिकेट करें। आज के लिए बस इतना ही। पबजी इतना एडिक्टिव क्यों है और आप इस एडिक्शन से कैसे बच सकते हैं, इस पर टिकटॉक का एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप पबजी पर एक दिन में कितना टाइम स्पेंड करते हैं। ABP News आपको रखे आगे।